नमस्कार साथियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ये टॉपिक BLI 221 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ना सिर्फ ये BLI 221 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बल्कि हमारा ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, लाइब्रेरी साइंस का जो पूरा का पूरा कोर्स है, इस पूरे कोर्स का ये सबसे मेन टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है 5 Laws of Ranganathan, डॉक्टर SR रंगनाथन, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर श्यामली रामन मित्रा रंगनाथन। इनका जन्म 12 अगस्त 1892 यानी 12 अगस्त 1892 में हुआ था। इन्हें इंडिया में लाइब्रेरी साइंस का पिता कहा जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। और इन्होंने जो है 5 ऐसे लॉज दिए हैं जिन लॉ के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जो करियर है, जितने भी हम लोग लाइब्रेरी साइंस का ये कोर्स कर रहे हैं और आगे लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, तो ये जो हमारे पूरा का पूरा लाइब्रेरियन का जो करियर जो डिपेंड करता है, वो इन 5 लॉ के ऊपर ही करता है। इन 5 लॉ को डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1924 यानी 1924 में लागू करवाया था। आइए आपको इन 5 लॉज के बारे में बताते हैं। सबसे पहला लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, यानी कि किताबों का इस्तेमाल होना अनिवार्य है। जितने भी लाइब्रेरी में किताबें मौजूद रहती है, उनका इस्तेमाल करवाना हमारी सबसे पहली ड्यूटी होती है किसी भी लाइब्रेरियन की, या लाइब्रेरी के किसी भी और स्टाफ की सबसे पहली ड्यूटी है कि जितनी भी बुक्स या जितने भी इंफॉर्मेशन की जो रिसोर्सेज लाइब्रेरीज के अंदर अवेलेबल है, उनका हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाना है। अधिक से अधिक उनका जो इस्तेमाल है वो हमें करवाना है। दूसरा लॉ है एवरी रीडर हिज बुक। जितने भी यूजर हमारे पास लाइब्रेरी में आते हैं, जितने भी रीडर हमारे लाइब्रेरी में आते हैं, उनको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, उनको जिस टॉपिक की किताबें या कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्स चाहिए, उनको वो सोर्स दिलवाना हमारी दूसरी ड्यूटी मानी जाती है। जो भी उनका टॉपिक है, जो भी उनका इंटरेस्टेड टॉपिक है, उस टॉपिक की उनकी जरूरत पूरी करवाना, ये हमारा दूसरा कर्तव्य होता है। तीसरा लॉ है एवरी बुक हिज रीडर। हर किताब को उसका जो रीडर है, उसका जो यूजर है, वो मिलना चाहिए। लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी किताबें अवेलेबल है, लाइब्रेरी के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज अवेलेबल है, उनका जो नीडफुल यूजर है, जिस यूजर के पास वो पहुंचनी चाहिए, तो वो हमारा तीसरा कर्तव्य बन जाता है कि उस किताब के पास उसका वो रीडर पहुंच सके। चौथा लॉ है सेव द टाइम ऑफ यूजर। हम लाइब्रेरियों का ये कर्तव्य है कि जितने भी लाइब्रेरी में आते हैं, वो रीडिंग के पर्पज से ही आते हैं, वो अपना जो नॉलेज है उसको गेन करने के पर्पज से ही आते हैं। तो ऐसे में उसको ढूंढने में, किताबें ढूंढने में, उसका इंटरेस्टेड टॉपिक है उसको सर्च करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ये हमारा चौथा कर्तव्य होता है। उसका टाइम हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। पांचवा जो लॉ है वो है लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। दिन प्रतिदिन लाइब्रेरी की जरूरत इंडिया में बढ़ती जा रही है। ये इंडिया क्या, दुनिया के किसी भी कोने में दिन प्रतिदिन लाइब्रेरी की जरूरत बढ़ती जा रही है। लोग धीरे धीरे पढ़े लिखे सिविलाइज होते जा रहे हैं, तो उनको अपनी नॉलेज और ज़्यादा गेन करने के लिए लाइब्रेरी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन सोर्स, अच्छा इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन लगता है। यही कारण है कि धीरे धीरे लाइब्रेरी का जो आकार है, लाइब्रेरी का जो साइज है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो हमारा पांचवा लॉ ही यही है कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मेन टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं, वो इसके पहले लोग बुक्स आर फॉर यूज के लिए बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको डॉक्टर SR रंगनाथन के बारे में और भी जानकारी दे देता हूँ। SR रंगनाथन शुरू से एक लाइब्रेरियन नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले मैथमेटिक्स में अपनी रिसर्च पूरी करी थी और वो एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन बनना चाहते थे। उस टाइम इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करी कि उनको एक बढ़िया मैथमेटिशियन की जॉब दी जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इंडिया के अंदर एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो कोई लाइब्रेरियन, जो एक वेल प्रोफेशनल वेल क्वालिफाइड लाइब्रेरियन कहा जा सके। इसलिए उन्होंने SR रंगनाथन से ये रिक्वेस्ट करी कि आप लंदन में जाइए और वहाँ जाके लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई करके आइए। अगर आप लाइब्रेरी साइंस में कुछ ना कर पाए, तो हम आपको मैथमेटिक्स की जो ये पोस्ट है, ये आपको ज़रूर देंगे।
तो फिर रंगनाथन वहाँ गए, उन्हें धीरे धीरे इस चीज़ को सीखते सीखते इतना इंटरेस्ट आने लगा कि उन्होंने धीरे धीरे लाइब्रेरी साइंस के अंदर ही अपनी PhD कंप्लीट करी और वापस इंडिया में आकर के इन्होंने लाइब्रेरी साइंस के ये 5 लोग निकाले। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज हम अपने पहले रूल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों हमारा जो ये पहला रूल है बुक्स आर फॉर यूज, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि लाइब्रेरियन जो भी बुक्स एक्वायर करता है, लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी तरह की बुक्स है, लाइब्रेरी के अंदर जितने भी तरह के सोर्स है, उन सबों का इस्तेमाल होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई एक ऐसी नॉवल है जो 2 साल पहले आके मेरी लाइब्रेरी में आ चुकी है और इन 2 सालों से उसका एक भी बार यूज़ नहीं हुआ है, तो ये मेरे पहले लॉ की जो है, ये पहला लॉ मेरा जो है सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। इसलिए हमें ये वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिशें करनी चाहिए जिसके द्वारा लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी बुक्स अवेलेबल है उन सभी बुक्स का, उन सभी के सभी जो इंफॉर्मेशन सोर्सेस हैं उनका हम इस्तेमाल करवा सके। तो ये इस्तेमाल करवाने के लिए, ये बुक्स का, सारे के सारे बुक्स का यूज़ करवाने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए लाइब्रेरी की लोकेशन के ऊपर। लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की लोकेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए जहां पे यूजर का बहुत ही आसान, बहुत ही इजी एक्सेस हो। मान लीजिए अगर आप लाइब्रेरी को शहर से कहीं दूर ऐसी बीहड़ जगह पर रख दे जहाँ पे पहुँचने के लिए पर्याप्त ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो, सफिशियंट ट्रांसपोर्ट ना मिले बंदों को, बंदे जो है वहाँ तक जाने के लिए बहुत ही दिक्कत से पहुँच सके, तो क्या कोई बंदा लाइब्रेरी में जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। इसलिए जो हमें इसके बारे में सबसे पहला स्टेप उठाना चाहिए वो इसकी लोकेशन को ध्यान में रखना चाहिए कि ये सभी के सभी हमारे जितने भी यूज़र हैं उनके आसानी से उनके एक्सेस में अवेलेबल हो। दूसरा जो स्टेप जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए वो है लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर। लाइब्रेरी बिल्डिंग को इस तरीके से प्लान किया जाना चाहिए कि वहां पे किसी भी यूजर को बैठने में, बैठ के रीड करने में और किसी भी स्टाफ को काम करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जब वहाँ पे यूज़र सफिशिएंटली अच्छी तरीके से वहाँ पे आरामदायक तरीके से बैठ के अपने अपने जो भी उनका टॉपिक है उसके ऊपर वो अपनी रीडिंग कर सकेंगे, अपना नॉलेज गेन कर सकेंगे, तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक इसी तरीके से हमें फर्नीचर का भी ध्यान रखना चाहिए कि फर्नीचर आरामदायक होना चाहिए और किसी भी यूज़र को और किसी भी लाइब्रेरी स्टाफ को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो तीसरा स्टेप है जिसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है वो है लाइब्रेरी आवर्स। लाइब्रेरी आवर्स, एक लाइब्रेरी की जो टाइमिंग होती है वो इस तरीके से सेट की जानी चाहिए कि यूजर को उस वो जो आवर्स है, जो लाइब्रेरी का जो पूरा ओपनिंग जो टाइम है उसमें यूजर को आने में लाइब्रेरी में दिक्कत ना हो। मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी किसी स्कूल के पास में है और आपकी लाइब्रेरी का टाइमिंग ही अगर 7 बजे से 1 बजे तक का है तो वो जो भी स्कूल के जो स्टूडेंट होंगे क्या वो उस टाइम के दौरान लाइब्रेरी में आ सकेंगे? तो इसी तरीके से अगर आपका जो लाइब्रेरी है किसी प्रोफेशनल के घर के आसपास है तो अगर प्रोफेशनल की ड्यूटी टाइमिंग ही अगर 10 से 6 की है और अगर आपके लाइब्रेरी की टाइमिंग भी 10 से 6 की होगी तो क्या वो जो प्रोफेशनल है वो उस टाइम के अंदर आपकी लाइब्रेरी में एंट्री कर पाएगा? तो इसी तरीके से हमें लाइब्रेरी आवर्स का ध्यान रखना चाहिए, हमें लाइब्रेरी की टाइमिंग इस तरीके से सेट करनी चाहिए कि जितने भी हमारे यूजर्स हैं वो उसी टाइम के दौरान आके अपनी जो भी उनकी इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसके ऊपर अपना सर्च कर सके। लास्ट स्टेप जो हम इस पे ले सकते हैं वो है लाइब्रेरी स्टाफ। लाइब्रेरी स्टाफ,
एक लाइब्रेरी में काम करने वाला जितना भी स्टाफ होना चाहिए वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, वेल प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि वो अपने यूज़रों को अच्छी तरीके से ट्रीट कर सके और जितने भी हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर जितना भी बुक्स है, जितना भी सोर्स है, उसको पूरी तरीके से यूज़ करवाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगले वीडियो में मैं दूसरे लॉ, तीसरे लॉ, जितने भी चार लॉ बचे हैं उन लॉ के बारे में बताऊँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।